ये 15 फीट का रास्ता है। मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ जो सस्ती है, आम आदमी ले सकता है, गरीब आदमी के मतलब की तो बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हाईवे के करीब भी है वो, और हाईवे से जाने का रास्ता और दूसरे रास्ते बदल होगा अभी आपको। ये बाहर की लोकेशन एंट्री लोकेशन 3-4 वर्ष पहले यहाँ से पहले एंट्री की है। कार मेडिकल एजेंसी NH-74 हुआ करता था पहले, ये अब ये NH-734 है, नेशनल हाईवे 734। ये जो रोड है NH-734 यानी कि पुराना नाम NH-74, ये हरिद्वार देहरादून से की तरफ से आ रहा है और ये पंजाब वगैरह से होते हुए, और ये रोड जो है आपका दूसरा जो कह सकते हैं काशीपुर भाई नजीराबाद नगीना, ये तो नगीना है साइड में, जैसे 7-8 किलोमीटर नगीना बनता है। और यहाँ से आपका धामपुर आ रहा है सामने, 7-8 किलोमीटर भाई धामपुर है ये, और इधर धामपुर से ये चला गया है अफजलगढ़ जसपुर काशीपुर रुद्रपुर, इधर कह दीजिए आप ट्रैमपुर वगैरह पहाड़ों में हल्द्वानी वगैरह के लिए चला गया। इस रोड का नाम दूसरे अल्फाज में ये कहें जो बनी है, ये काशीपुर हरिद्वार रोड है, 4 लाइन है, और ये 4 लाइन बहुत बढ़िया 4 लाइन बनी हुई है। इस क्षेत्र के लिए तो बहुत ही उज्ज्वल साबित हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हर वक्त किसी टाइम भी 24 घंटे आने जाने की व्यवस्था। यहाँ से आपको दिल्ली के लिए भी, धामपुर से दिल्ली के लिए बहुत रास्ते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, बसें यहाँ से जाती हैं, और हर तरह का VIP आदि सरकार भी। और ये पूरी यहाँ देखिए, ये मझेड़ा गांव है, ये गांव है मझेड़ा, पूरी मार्केट बनी पड़ी है यहाँ पर, ये पूरी गाँव मझेड़ा है। और नगीना से का मेन गांव है, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर नगीना, नगीना और धामपुर के बीच है दोनों जगह आप जानते हैं, और ये 7-8 किलोमीटर के बीच की दूरी जो है उनके करीब बैठती है 10-12-14 किलोमीटर। और यहाँ से एक रास्ता ये है और एक रास्ता और साइड से है, बराबर जहाँ नहीं भरी हुई है, देखो बड़ी भरी हुई है ना, दो रास्ते हैं, कई रास्ते और भी हैं, मैं अभी बताऊँगा कैसे कैसे हैं। देखिए ये है वो 4 लाइन जो यहाँ से कितना करीब है, करीब 50 कदम भी नहीं है, और ये यहाँ से ये टी पॉइंट हमारा एक दूसरे रास्ता आया है, ये अलग रास्ता और ये रास्ता भी है, और ये रास्ता वो फिर वहीं पहुँच जाता है, उसके लिए भी मैं आपको पूरे एंट्री पॉइंट दिखाऊंगा आपको। ये सामने गांव जो कल्याणपुर है, ये मझेड़ा गाँव है, इस तरफ ये तीवड़ी गाँव है, पानी की टंकी आपको दिख रही है, मैं अभी दिखा करूँगा। जिस रास्ते की हम बात कर रहे थे वो रास्ता इधर से होता हुआ हमारा ये आया है, और यहाँ से कल्याणपुर शुरू हो जाता है, ये बस्ती शुरू होती है, जिला परिषद के द्वारा बनाई गई रोड है ये, और ये रोड जो है आपका काली रोड होने वाली है, डामर रोड बनने वाली है या RCC की बनेगी, इसकी बात चल रही है। और ये कल्याणपुर शुरू हो गया है, 4th प्लॉटिंग हुई पड़ी है, अब मैं उस प्लॉट पर पहुँच रहा हूँ जो 200 वर्ग गज का है। अब मैं अभी मैंने वो 200 गज के प्लॉट के लिए रास्ता एक हाईवे से दिखाया था, और हाईवे से ही आने के लिए एक और रास्ता है जो सामने मकान दुकान बनी है ये, उसके बराबर से ये होता हुआ, और ये सामने काली रोड है, 60 फीट चौड़ी रोड है काली रोड, और ये सामने ही जब पोल लगा है ये बिल्डिंग बनी है इसके ठीक बराबर में है, और ये रास्ता चौड़ा रास्ता होता हुआ, और ये सीधा अब देखिए हाईवे पर जा रही जो मशीन जा रही है, ये मशीन के पीछे की तरफ से भी मैंने दिखाया भी आपको, आगे भी दिखाया, और ये मैं
ये करके ऐसा करके ये उस प्लॉट पे जहाँ इनका प्लॉट है ये 200 गज का, वहाँ के लिए आसान रास्ता है जाने का, बड़ी बड़ी गाड़ी चली जाएगी, ट्रैक्टर जाते हैं, दो दो गाड़ी जा सकती हैं। देखिए ये कल्याणपुर गांव है और ये बहुत शानदार बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, यहाँ पर बन रही हैं, पहले से ऑलरेडी मालदार लोगों का गांव है ये, अंसारी बिरादरी ज़्यादा रहती है और इसमें बड़े से बढ़िया मकान बनता जा रहा है। और इस रास्ते से फिर एक रास्ता इस तरफ भी गया है बस्ती के लिए, इधर भी मकान बन रही है, प्लॉटिंग भी पड़ी जा रहा है। ये स्कूल है जूनियर स्कूल है, जल्दी इंटर कॉलेज हाई स्कूल की तैयारी चल रही है इसकी, MSM जूनियर स्कूल। ये ईंटों की निशानी लगी है यहाँ पर और भैया बता रहे हैं भूस्वामी, यहाँ का जो रास्ता क्या बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट रास्ता, ये 10 फीट रास्ता गया है अंदर को आपके प्लॉट तक, है ना। तो भैया जी का कहना ठीक है, ये रास्ता है वहाँ जाकर वहाँ से फिर ऐसे आवेंगे, पार नहीं है, बस पार नहीं है, रास्ता पार नहीं है, अभी 10 फीट का रास्ता है यहाँ पर, ऐसा भैया बता रहे हैं। ये देखो ये निशानी नहीं लग रही ना, इसलिए भैया मुझे पूछना पड़ा। तो हम जा रहे हैं उस प्लॉट के पास जो 200 वर्ग गज का है और ये सामने देखिए बिल्डिंग दिख रही है, वो हाईवे की फोर लाइन की बस आ रही है, देखिए जा रही है फोर लाइन पे। और कहाँ कौन सा प्लॉट है जी आपका? आगे है अभी, आगे है, हाँ। आपके प्लॉट तक 10 फीट का रास्ता गया है, यही है ना, अभी रास्ता है। सामने बिल्डिंग बनी हुई है, इधर ये चारों तरफ बिल्डिंग बनी पड़ी है, जूनियर हाई स्कूल है और MSM जूनियर हाई स्कूल कल्याणपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये आ गए हम अपनी जगह, आप अपनी जगह पर खड़े इस टाइम, इसके ये रास्ते में जो है इधर की तरफ कितना फ्रंट है आपका? चालू होता है हमारा फर्नीचर तक बराबर ही है, 28 फीट फ्रंट है। कितना फिट है ये हमारा? 28 या 29 फीट चौड़ा, 28-29 फीट चौड़ाई है इसकी और अंदर गहराई लंबाई 200 गज। अरे 200 गज तो पूरा प्लॉट है, हाँ देखिए ये 200 वर्ग गज के नाप तोल कुछ नाम लिखने को तो मैं भेज दूंगा, बस बता दूंगा। देखिए एक इनके फादर खड़े हैं जनाब जो स्वामी है और एक इनके बेटे हैं, ये जो ये चौड़ाई है और इसके बराबर में 10 फीट का रास्ता है और ये नींव भरी हुई है, यहाँ दो अधे रखे हैं, ओके। और इधर ये यहाँ तक है जमा गया, ये इसके लंबाई चौड़ाई है। कुल मिला के हम ये कहेंगे आपसे प्लॉट बहुत अच्छी पोजीशन में है, भराव का कोई चक्कर नहीं इसके अंदर ज़्यादा, अपनी जानी भरेंगे वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, मकान बनेगा बढ़िया, शांति की जगह है। यही पास में ही मस्जिद की जगह भी, मस्जिद की जगह छोड़ रखी, हाँ मस्जिद की जगह, हाँ मस्जिद की जगह भी है छोड़ रखी है, जब भी यहाँ बाबा जी ठीक से हो जाएगी हम मस्जिद बन जाएगी, बोले तैयारी चल रही थी पता नहीं किन कारणों से रोक दी गई। और हमें ये कहूँगा ये जो जगह है इसकी लोकेशन मैंने दिखाई आपको, ये काम ये गांव है कल्याणपुर, ये इस गांव के अंदर 80% लोग तो मुस्लिम रहते हैं, 20% दूसरी बरादरी के लोग रहते हैं और 80% में भी बहुतायत अंसारी बरादरी की है। ये गाँव है मझड़ा, पेड़ों के पीछे जो मैंने शुरू में दिखाया उसमें ये लगभग इधर बराबर में तीवड़ी है। इस गांव के इस प्लॉट के इस जगह से 18 गांव से 20 गांव लगभग 2 किलोमीटर के अंदर आते हैं, एक बछेड़ा गांव है, इन पेड़ों के पीछे है बछेड़ा गांव, बछेड़ा होर नगला नगला चांदन वाला वो सब चौहाना गाँव है ज़्यादातर, और पखनपुर गंगवाली तिगरी आसपास के गांव भी हैं पास में लगते हैं। नगीना धामपुर के बीच में सबसे बड़ी आबादी का जंक्शन जो है वो यही है और
एक बार को नहीं गया धामपुर में, तो हाईवे जो निकला है वो बाहर की साइड निकल गया, वो तो धामपुर वालों के लिए अपनी जगह ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये यहाँ के लिए बड़ा हीरा साबित हुआ कि ये बिल्कुल पास में है यहाँ पर। रास्ते मैंने दोनों बता दिए आपसे कि यहाँ से 10 फीट का रास्ता गया है और जहाँ बाइक खड़ी है वहाँ जाकर पास हुआ है, और यहाँ से ऐसे ही चौड़ा रास्ता होता हुआ ये स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ कल्याणपुर पहुँच गया है, पास में ही है, 250-300 मीटर की दूरी पर। और ये इधर से घूम कर एक दूसरे अल्फाज में ये कहें कि हाईवे से पैदल के चलने वाला भी 2 से 3 मिनट में प्लॉट में आ जाएगा, ओके, चाहे इधर के हाईवे से आए या उधर के हाईवे से आए, किलोमीटर 2 किलोमीटर की बातें नहीं हो रही है, और अपने वाहन से बाइक से आए या फोर व्हीलर से आए अपनी, तो मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, और मैं मास्टर शराफत हुसैन 97-56-28-67-51। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा एक चैनल है, अभी मैं जुभू स्वामी से बात करूँगा आपकी, मैं उनकी वार्ता होगी, मेरा चैनल है सहारा प्रॉपर्टी 50, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप देखिए करिए उनको समझिए, ओके ठीक है। अब मैं आपकी बात करा रहा हूँ जो इसके मेन भू स्वामी हैं जी, आपका नाम अब्दुल हफीज़, आप इसको बेच रहे हैं जी, बेचना चाह रहे हैं, हाँ चाह रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ। तो अब कोई भी ले, आपको इतराज़ तो नहीं, कोई भी ले सकता है, इसका वाद विवाद कोई इसके अंदर कोई रगड़ा झगड़ा किसी से, कोई किसी से कोई झगड़ा रबड़ा नहीं, कोई इससे कोई परेशानी सामने नहीं आने की। ये बैनामे की ज़मीन है, बैनामे है हमारे पास, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना नंबर बता दो 70-37-97-49-39। ये उनके बेटे हैं, बेटा अपना पूरा नाम बता, बता पूरा लोगों के बताओ नहीं सही करके पूरी, सुहेब आलम अब्दुल हाफिज, मंझेड़ा सकरू जिला बिजनौर, ये मोबाइल नंबर है मेरा 9016086354, जिस किसी भी हजरात को लेनी हो वो हमसे संपर्क करें, या सहारा वालों से मिले हैं, या सहारा प्रॉपर्टी वालों से मिले, मतलब हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसके अंदर आपको अच्छा लग रहा है जी, हाँ जी आप खुश हैं, क्या लग रहा है, देखिए आप जब भी बेचेंगे तब पार्टी से बात करेंगे, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आपकी चीज़ बहुत सारे लोगों में पहुँच जाएगी देखने के लिए लेने के लिए, आप दीजिए। मैं अंत में यही बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, बड़ी शांति सुकून की जगह ये है, देखिए मार्केट तो नहीं है, मार्केट तो बाहर है, ऑन रोड है, लेकिन हाँ ये चूँकि रहने के लिहाज से बहुत अच्छी है, ये बगीचा है बराबर में आम का बगीचा, ये बगीचे में भी प्लॉटिंग का बहुत जल्दी तैयारी हो रही है, उम्मीद है जल्दी हो जाएगी, पीछे प्लॉटिंग हो ही रही है, चूँकि यहाँ पर सारा अमीर लोग रहते हैं, कुछ अपने बना रहे हैं, कुछ दूसरों को देना चाह रहे हैं वो भी बनाएंगे। थैंक यू। अंत में ये कहूँगा मेरा सहारा प्रॉपर्टी 50 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपनी बातों को दो बहुत सारी वीडियो इसमें पड़ी हैं उसको देखिए, थैंक यू।